उत्तर प्रदेश से आई बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी लौटी अपने 2007 के फॉर्मूले पर। 23 जुलाई से बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी। रामनगरी अयोध्या से होगा आगाज। जी हाँ दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है और आने वाली 23 तारीख से बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत होने जा रही है और इसका संपूर्ण नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। शुक्रवार को 200 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी के साथ मीटिंग करके यह निर्णय लिया है और इसके बाद 23 जुलाई के बाद से बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन संपूर्ण राज्य में शुरू होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज जो है वो आज बीजेपी से उत्तर प्रदेश के अंदर नाराज चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ठाकुर कार्ड खेलना शुरू कर दिया था और इसी वजह से ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा हुए। रही बात एनकाउंटर की, तो 100 से अधिक जो एनकाउंटर वहाँ पर किए गए उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का एनकाउंटर हुआ है या मारे गए हैं, विकास दुबे का आप जिक्र ले लो, तो मारे जाने वाले सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं। उन्हें उनकी भागीदारी वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के शासनकाल में नहीं मिली और इस तमाम चीज़ों से ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज चल रहा है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के 2007 में जो फार्मूला था दलित और ब्राह्मण गठजोड़ का, ये गठजोड़ आज फिर से हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति को अगर हम करीब से देखें तो बहन कुमारी मायावती जी राजनीतिक गठजोड़ से ज़्यादा सामाजिक भाईचारे पर वो विश्वास रखती है और उनके इस सामाजिक भाईचारे मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग का लोहा जो है संपूर्ण देश मानता है और संपूर्ण राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक नेता है, वो उनके सोशल इंजीनियरिंग से प्रभावित है। और यही एक जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है, जो 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने जो फॉर्मूला चलाया था, आज वही फॉर्मूले पर वापस बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। एक तरफ आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और एक सामाजिक आंदोलन है। इसकी भी चर्चाएं आपने सुना होगा। आपको यह भी पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों, इनके सभी के कल्याण, सभी के हितों को लेकर जो विचारधारा है उस विचारधारा पर काम करते हैं और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का यह नारा भी है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। सभी के हितों के लिए, सभी के सुखों के लिए और सभी के कल्याण के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। संविधान सम्मत सभी के साथ भाईचारे से बर्ताव करना, साथ ही सभी के साथ न्याय करना, किसी भी जाति के आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी हमेशा खड़ी रही है और इसीलिए 2007 की तरह एक सामाजिक भाईचारा बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी जो है वो फिर से नए दौर में 2022 में इस नए फार्मूले के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में आपको मैं ये भी बता दूं कि आने वाले 23 तारीख को रामनगरी अयोध्या से इस ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज होने वाला है। अब देखना यह है कि 2022 में क्या बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगी या नहीं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में किस प्रकार सत्ता में आए। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।